हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही हंसी खुशी होंगे। और आज का मेरा वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जी हाँ, एक्चुअली मैं बात करने वाली हूँ पिंपल्स और एक्ने के बारे में। वो जो दोनों पिक्चर्स आप थंबनेल में देख रहे हैं, मेरी ही है। मेरी एक दो दिन पहले यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी सी वाइट कलर की पिंपल हो गई थी, उस पर मैंने एक रेमेडी अप्लाई की। एक्चुअली मुझे जब भी वो होता है पिंपल्स एक्ने की इशू, तो मैं वही एक रेमेडी यूज़ करती हूँ और ओवरनाइट वो अपने आप ड्राई हो जाती है। तो सब लोगों के साथ मैंने शेयर करने का ये सोचा कि मैं सबके साथ ये शेयर करूं, जिन लोगों को पिंपल्स और एक्ने की इश्यूज़ होती हैं उन लोगों को शायद ये थोड़ा बहुत भी बेनिफिट हो जाए। तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक, उसमें बताऊंगी एक बहुत ही आसान सा एक रेसिपी जिसको आप घर पे बैठे किचन के सामान से ही बना सकते हो, और आप उसको लगा के रात भर रहने दोगे, सुबह अपना फेस वॉश करोगे तो देखोगे कि आपका पिम्पल बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो बने रहिए मेरे पे वीडियो पे एंड तक, और वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये जो रेसिपी है आप अच्छे से अगर फॉलो नहीं करेंगे तो काम बिल्कुल नहीं करेगी। तो जैसे ही पिंपल होता है, अब तो उसे पिक करना छोड़ दीजिए, कि मतलब बार बार ऐसे रगड़ना नहीं है, उसमें हाथ नहीं लगाना, उससे वो धीरे धीरे और भी बढ़ता जाएगा और एक की जगह दो तीन और निकल आएंगे। तो उस चीज़ को बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। फेस को अच्छे से क्लींस करके रखिए, जो स्किन केयर रूटीन है उसे फॉलो करते रहिए। उसे ये नहीं सोचना है कि मैं कितना भी कुछ कर रही हूँ पिंपल तो होने ही होने हैं, वो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और आपको करना क्या है, रात में सोते वक्त थोड़ी सी बेसन, थोड़ी सी हल्दी, हल्दी के बारे में आप सबको ही जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो बेसन, हल्दी और थोड़ी सी हनी, इन तीनों को आप एक अच्छे से मिक्स कर लीजिए, मतलब थोड़ा टाइट टाइट मिक्स कीजिए, इतना लिक्विडी और रनी नहीं होना चाहिए। और इस तरह से कंसिस्टेंसी रखिए कि वो पिंपल के ऊपर आसानी से चिपक जाए जैसे आप उसे अप्लाई करते हैं तो। और उस तीनों के मिक्सचर को आपका जहाँ पे भी अफेक्टेड एरिया है, जहाँ पे भी पिंपल है, उसे फेस वॉश करने के बाद उस पर लगाएं और रात भर के लिए रहने दें। थोड़ा ड्राई होने के बाद ही सोने जाएं, क्योंकि आप जानते हैं हल्दी बेसन ये सब बेड वेड भी ख़राब कर सकता है। तो जैसे थोड़ा सा ड्राई आउट हो जाए, वो अच्छे से चिपक जाएगा, क्योंकि उसमें हनी भी रहेगा तो हनी चिपकने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और उसको पिंपल पे अप्लाई कर दें, रात भर के लिए रहने दें, और सुबह उठ के अपना फेस नॉर्मली वॉश कर लें। आप देखेंगे कि पिंपल का साइज़ बहुत ही रिड्यूस हो गया है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने इसीलिए सोचा कि मेरे साथ ये फ़िलहाल ही हुआ है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि सब लोगों को इससे बेनिफिट हो सके। और उसके बाद आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे दो तीन दिनों के अंदर बहुत ही अच्छे से वो कम हो गया है, और उसके जो ठीक होते हैं उसके बाद उसमें मार्क्स भी नहीं रहते, क्योंकि हल्दी वगैरह उसे हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने पहले से नहीं कर रखा है। तो मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।